तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम दी फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑफ टीचिंग आर रिलेटेड टू एंड एटीट्यूड तो किसी टीचर के कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड एक लिस्ट आपके सामने दी गई है लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मेजर फोकस रखना है उनकी पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो so, टीचिंग में कॉम्पिटेंसी क्या होता है कॉम्पिटेंसी इज मोर देन जस्ट नॉलेज एंड स्किल्स किसी पर्सन के नॉलेज एंड स्किल्स से भी कहीं ज्यादा अगर उनको किसी चीज के बारे में पता है तो उस चीज को एक टीचर की कॉम्पिटेंसी बोला जाता है एस एन एजुकेटर आप में कॉम्पिटेंसी अपने जो एक्सलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट right? सो so, यहाँ पर अगर हम पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड की बात करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल यानी यानी कि 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 नियंत्रण रेखा और और सेल्फ एफिकेसी आत्म प्रभावकारिता के ऊपर इसके अलावा एक चीज होती है जो कि किसी टीचर के पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड के कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड होती है उस फैक्टर का नाम होता है टीचर का एनफूजियम सो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम उसमें लर्निंग आउटकम्स यानी स्टूडेंट जो सीख रहे हैं उसके आउटपुट को उनके आउटकम्स को ऑप्टीमाइज करने का एक अच्छा पोटेंशियल होता है स्टेटमेंट टू बोलती है रिसेंट रिस देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में एक पर्सन सोशली किसी दूसरे पर्सन के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किस तरह से सोशली एक्टिव है इंटरक्शन रखता है वो उनकी सोशल कॉम्पिटेंसी आती है दिस क्वालिटी हेल्प्स पीपल गेटिंग अलोंग विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ कैसे रहना है कैसे बातचीत करनी है ये सब चीजें इसके अंदर उनको सिखाई जाती है एंड सोशल कॉम्पिटेंसी एक इफेक्टिव वे होता है जिससे हम अपने सोशल रिलेशनशिप और सोशल सेटिंग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आती है कॉग्नेटिव इंटेलिजेंस की बात बातनेटिव मैंने आपको बताया है कि किसी पर्सन के मेंटल एबिलिटीज की यहाँ पर बात की जाती है सो so, इसमें कोई कितना जल्दी सीखता है कितना समय तक किसी चीज को याद रखता है प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब चीजें आ जाती हैं सो so, ये दोनों स्टेटमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं तो so, यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन वन के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए क्विक रिवीजन पीडीएफ हम लेकर आए हैं जिसमें आपको 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते हैं इसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं

इंटरचेंज रिक्वायर्ड होती है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ठीक है ये क्या होता है मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है हाईएस्ट लेवल होता है राइट नेक्स्ट इज वाइल्ड रिपोर्टिंग

क्राइटेरियन रेफरेंस की हम बात करें सो so, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स लिखा होगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि हम क्राइटेरियन रेफरेंस की बात कर रहे हैं वही अगर नॉम रेफरेंस है तो परसेंटाइल रैंक होता है उसके बाद अगर हम लोग फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आ जाता है हमारे पास वीकली क्विज इसके अलावा होमवर्क असाइनमेंट्स जो स्टूडेंट्स को दी जाती है वो फॉर्मेटिव होता है एंड समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है ये होते हैं किसी भी स्टूडेंट के फाइनल एग्जाम्स उसमें वो कितना स्कोर कर रहे हैं यानी कि पूरे सेशन के एंड में पूरे सेमेस्टर के एंड में जो स्कोर होता है वो समेटिव के अंदर आता है तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं इजीली करेक्ट आंसर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which learning theory provides support for active participation of learners in the learning process in an interactional setting with intrinsic motivation as the basis? So इसमें आ जाता है correct answer constructivist theory of theory of vygotsky ये कैसे होता है अब देखो one by one हम इसको detail में discuss करेंगे पहला है SR theory of Watson ये भी exam में जरूर पूछा जा सकता है इसको simple language में आप

इन द लर्निंग प्रोसेस ये बोलते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो हर समय बिजी रहना चाहिए कुछ ना कुछ सीखने में सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई है यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की बात की गई है कि उनको हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए साथ ही इसमें बोला जाता है कि नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड एंड लर्न अनदर किसी दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अब जैसे आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हो आप आने वाले समय में पीएचडी करोगे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे यानी कि सिंपल सा बोल रहे तो आप टीचर बनोगे अब आप जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो आप किसी और एजुकेटर्स की वीडियोस भी देख रहे होंगे आपने ऑफलाइन भी आज तक जैसे स्कूल में पढ़ा है बहुत कुछ तो आपको जिन जिन टीचर्स के बोलने का तरीका पढ़ाने का तरीका पसंद आता होगा तो आप डेफिनेटली उनको फॉलो करोगे जब आप टीचर बन जाओगे तो वही सब चीजें इसके अंदर बोली जाती है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू तो आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो अगर जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग मुझे पता है मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हो सो तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके को भी थोड़ा बहुत जरूर फॉलो करोगे आगे आने वाले समय में तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा

इसका बेसिक जो काम चलता है वो ऑफलाइन सेशंस में चलता है जैसे टीचर स्टूडेंट सामने होंगे एक दूसरे के कुछ भी पूछना होगा इमीडिएटली पूछेंगे एंड आंसर उनको मिल जाएगा स्टेटमेंट टू बोलती है, so, है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 अब देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक होती है इसको याद रख लीजिए सेल्फ इंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक होती है जिसमें कोई एक पर्सन खुद से ही कुछ नई चीजें सीख लेता है द इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड or प्रिंटेड फॉर्मेट एंड मेन फोकस इस पे किसका होता है डेवलप material दैट मैक्सिमाइज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिंपल सी चीज याद रखिए कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की हम बात कर रहे हैं इसमें एक्टिव रिस्पॉन्डिंग आता है एंड इमीडिएट फीडबैक आता है जो कि की दो कीवर्ड्स हैं, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को एज इट इज दिए गए हैं वही दूसरी स्टेटमेंट में अगर हम लोग स्किनर्स रेन्फोर्समेंट प्रिंसिपल की बात करें तो so इसमें ये क्या है ये बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे फोकस करता है इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है कॉमेंट कर दीजिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ठीक है इसको सिंगल ट्रैक प्रोग्राम भी बोलते हैं स्किनर्स का रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल को सिंगल ट्रैक प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ सी फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग सो आपको पता है अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है एक हमारे पास आ जाता है पहले मेमोरी लेवल दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड हाईएस्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ठीक है यानी कि मेमोरी uh, लेवल में जो कुछ आपने सीखा अगर उसकी समझ आपको है और आप अपने अकॉर्डिंग उसके एग्जाम्पल दे करके किसी चीज को समझा सकते हो तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट बोलता है हेल्पिंग टू प्रमोट थिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स यानी कि छोटे छोटे फैक्ट्स अगर मेमोरी लेवल में मैंने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल एंड एम फॉर मैंगो सीखा है तो मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ए फॉर एप्पल एंड एम फॉर मैंगो क्या होते हैं ये दोनों तो फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं तो हमने क्या कर दिया छोट छोटे छोटे फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अगर देख लिया इसका मतलब है कि उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को हो चुकी है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नहीं होना है यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है इफेक्टिव डोमेन आपको मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है दो तीन बार हम डिस्कस कर चुके हैं वो है ब्लूम्स का taxonomy मैंने आप लोगों को अगर डिटेल में वीडियो बनाई है चार हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये वो वीडियो देखी है ठीक है आपने भी जरूर देखी होगी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए डोमेन में टोटल कितने स्टेजेस होते हैं और कौन कौन से स्टेजेस उसमें होते हैं ये आपने मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना है इससे क्या होगा आपकी फाइनल रिवीजन भी हो जाएगी कल भी अगर आपका एग्जाम है आपको पता है कि कल अट्ठाईस तारीख है कल भी अगर आप लोगों का एग्जाम है तो भी आपकी रिविजन में डेफिनेटली ये मदद करेगा नेक्स्ट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन अ क्लास रूम एवरी टीचर हैजू परफॉर्म अ गेट कीपिंग फंक्शन

एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह के एग्जाम्पल्स शेयर कर देने चाहिए किस तरह के नहीं करने चाहिए एंड एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज अ मॉरल कॉस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट इसका मतलब क्या है कि एज अ टीचर इंस्टीट्यूशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स के के लिए आपको एक मॉरल कस्टोडियन के रूप में काम करना है इंस्टीट्यूशन के अंदर भी टीचिंग से रिलेटेड भी और उसके बाहर भी तो करेक्ट आंसर क्या है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट कीपिंग से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि गेट कीपर क्या होते हैं उनके पास अपना इन्फ्लुएंस होता है किसी भी सोशल कल्चर को लेकर के एथिकल और पॉलिटिकल चीजों को लेकर के अपना ही उनके पास एक इन्फ्लुएंस होता है जो वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लाए हैं जो कि पेपर के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इस स्टडी मटेरियल में आपको पेपर 2 के